कैसी है मेरी बेटी? तुम्हारी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, फौरन चली आई। उस टाइम में क्या बताऊं, हमारी खुशी को तो वैसे नजर ही लग गई है। नहीं नहीं बेटा, परेशान नहीं होते, अल्लाह फिर करम कर देगा। आपको देखकर ना मुझे तसल्ली हो गई है। वैसे मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। वो क्या? फरजाना बाजी है ना, उनसे मैंने 10,000 रुपए लिए थे महान की शादी पर, तो वो वापस मांग रही है। तो अगर आप उन्हें दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगी। नहीं वैसे तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं क्या बताऊं, इधर तनख्वाह आती है उधर खत्म हो जाती है, लेकिन जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगी। हाँ, ये मसला है वैसे नौकरी पेशा लोगों का। आप फरजाना बाजी को 10,000 दे दें, मैं अगले महीने आपको दे दूंगी वापस। छोड़ो, इतनी सी बात क्यों फिक्र करती हो? अभी जाते हो, मैं पकड़ाती जाऊंगी, घबराओ नहीं, समझो हो गया। बहुत शुक्रिया, वरना मैं इतना परेशान हो रही थी अभी। अरे अरे, अपनी ताई अम्मी के होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे आजकल लोगों ने ना कई कई तरह के कारोबार शुरू किए हैं, तुम और फराज भी सोचो कुछ इस बारे में। कारोबार? ये क्या कर रहे हो? कैसे छुपा रहा हूँ? नहीं यहाँ मत छुपाओ, जब तुम घर नहीं होते ना तुम्हारी अम्मा अक्सर तुम्हारे इस कमरे की तलाशी लेती है। क्यों? ये तुम पे शक है कि तुम उनके पैसे चुराते जब वो घर पे नहीं होते। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना भाई, मैं क्यों बताऊँ, फिर तुमने कहना था माँ बेटे में लड़ाई करवा दी। तो तुम बताओ कहाँ रखूँ? एक काम करो, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मुझे एक बहुत महफूज जगह पता है, शगुफ्ता बाजी की नजर वहां बिल्कुल भी नहीं जाती, मैं वहां आराम से रख दूंगी। ठीक है, तुम पर तो मैं आंखें बंद कर कर दबा कर सकता हूँ। क्यों? क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम मेरी हमदर्द और दोस्त हो? सिर्फ दोस्त? नहीं, और भी बहुत कुछ। और क्या मोहब्बत हो गई है तुमसे? मुझे भी। ये लो। आप सुबह से अखबार में क्या देख रहे हैं? नौकरी। वो क्यों, आपने अपनी तबीयत देखी है? ठीक हूँ। जब काम करने वाला शख्स दूसरों के लिए बोझ बनता है ना, तो उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जुर्म पैदा होने लगता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अच्छा, बिल्स और जहेज पैकेज की किस्में अदा कर रही हूँ मैं। ये घर का सामान है और ये अब्बा की दवाइयाँ। और अब्बा देखे, मेरी पहली तनख्वाह देना। अब्बा आपके पैसे? नहीं बेटा, इस पे आप हमाद का हक है। हरगिज नहीं, औलाद पर पहला हक माँ बाप का होता है। कैसी बातें कर रही हो, क्या सोचेगा वो? तो कुछ नहीं, उनकी सोच मुझसे ज्यादा अच्छी है। वो तो है माशाल्लाह से। प्लीज अब्बा इनकार मत करें। बेटा, देने वाले हाथ के लिए लेना बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे उसकी अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो। ये पैसे अपनी माँ को दे दो। तुम्हारे बाप ने गरीब होके भी खुदारी नहीं छोड़ी। उनकी बताई हुई बातों ने तो मुझे इतना मजबूत किया। तुम इनके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ दो ना, वरना ये अंदर ही अंदर
खुलते रहेंगे। ठीक है अम्मू।